चुनाव में चाय वाला, आप चौकीदार, हम तो नरेंद्र मोदी जी का बचपन से फोटो देख रहे हैं, बचपन से हमने उनका बचपन का फोटो हम एक दो साल से हम देख रहे हैं, मतलब घूमते हुए फोटो है, तपस्या करते हुए हिमालय का फोटो है, समझे, अमेरिका में जाते हुए घूमते हुए फोटो है, आरएसएस परेड में फोटो है, लेकिन आज तक हम सारा फोटो ढूंढते रह गए, लेकिन उनका फोटो चाय वाला नहीं मिला। चाय वाला मिल भी नहीं कर रहा है, अब पता नहीं भगवान जाने की चाय बेचते थे कि नहीं बेचते थे। आरटीआई लगाया गया रेलवे स्टेशन पे, जहां वो कहते थे कि चाय बेचते थे, वहां का रेलवे विभाग कहता कि ऐसा कोई चाय नहीं बेचता था। और उसके बाद से आरटीआई लगाना कि आरटीआई बंद कर दिया, कोई सूचना ही नहीं मिलता है। मोदी जी के बारे में पूछे तो दूसरा बात, ये चौकीदार अपने आप को कह रहे हैं, ठीक है मोदी जी हम मान लेते हैं आप चौकीदार हैं, लेकिन कान खोल करके सुन लीजिए, अगर आप चौकीदार हैं तो देश की जनता, बिहार की जनता थानेदार है। अगर आप गलती करोगे तो देश की जनता जो थानेदार है आपको सजा देगी, छोड़ेगी नहीं। आपने ठगने का काम किया, ऐसा चौकीदार होता है। नीरव मोदी 1000 करोड़ रुपए लेके भाग गया, ललित मोदी 1000 करोड़ रुपए लेके भाग गया, भागा कि नहीं भागा? वो किसका पैसा था? आप लोगों का पैसा था, बैंक में जमा पैसा था। हमको ये बात नहीं समझ में आया, नीरव मोदी, ललित मोदी सब इन्हीं के बिरादरी का कहला भागता है भाई, सब इन्हीं के बिरादरी का लेके पैसा भाग रहा है। ऐसा चौकीदार, चौकीदारी होती तो किसी को हिम्मत था जो पासपोर्ट देख के ना भागता है, पासपोर्ट दिखा करके भागा, परमिशन से भागा, इनके सहयोग से भागा। इसलिए आप समझिए, इन्होंने वादा किया था 15-15 लाख रुपया देंगे, मिला किसी को खाता में 15-15 लाख? रोजगार मिला किसी को? क्या बोले थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे हर एक साल, किसी को नहीं मिला। कितना बेरोजगार है भाई, हाथ उठाइए।